हैदराबाद में टीवी एक्ट्रेस और बड़े उद्योगपतियों को जिस्म फरोशी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि टीवी एक्ट्रेस कई तेलुगु टीवी सीरियल्स में काम कर चुकी है। पुलिस ने जिस उद्योगपति को गिरफ्तार किया है वो स्टील का बड़ा कारोबारी है। तेलुगु एक्ट्रेस का कंधा खेल, एक रात की कीमत 2 लाख रुपए, एक्ट्रेस के साथ धरा उद्योगपति। शुक्र मनाइए इस चेहरे पर नकाब है, वरना तेलुगु टीवी सीरियल देखने वाले लाखों दर्शकों को बड़ा झटका लगता, क्योंकि इस टीवी एक्ट्रेस को जिस फरोशी के आरोप में रंगे हाथ धरा गया है। रंगे हाथ सिर्फ ये एक्ट्रेस नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश के जाने माने उद्योगपति एसके गोयनको को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। 22 साल की टीवी एक्ट्रेस के साथ 60 साल के उद्योगपति एसके गोयनका को साइबराबाद पुलिस ने पौश इलाके माधापुर फॉर्च्यून से गिरफ्तार किया। फ्लैट नंबर 203 में दोनों एक्ट्रेस और उद्योगपति को रंगरेलिया मनाते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। समाचार मेरे को माधापुर लोनी फॉर्च्यून टावर्स फ्लैट नंबर 203 पर साइबराबाद कमिश्नरेट लोनी टीवी सीरियल हिमबिंदु तरवा लया अने सीरियल्स लो नटिस्तुन्ना कुमारी श्रावणी तरवा इंडस्ट्रियल जीडीमेट्ला इंडस्ट्रियल एस्टेट लो ओका फैक्ट्री नडुपुतुन्ना सज्जन कुमार गोयंकानु एक तरफ 22 साल की टीवी एक्ट्रेस और दूसरी ओर 60 साल का स्टील बेचने वाला मशहूर उद्योगपति, दोनों की गिरफ्तारी ने पूरे शहर में सनसनी मचा दी। एक्ट्रेस भी जानी पहचानी, घर घर में इस टीवी एक्ट्रेस को लोग पहचानते हैं, और दूसरी ओर आंध्र प्रदेश में जीएस गोयनका का नाम भी किसी से छिपा नहीं। लेकिन किसी को यकीन ही नहीं हो रहा कि जिस फरोशी के आरोप में दोनों इस तरह पुलिस की गिरफ्त में आएंगे। पुलिस के मुताबिक टीवी एक्ट्रेस एक रात के 2 लाख रुपए लेती थी। एक्ट्रेस अपना गंदा धंधा चलाने के लिए दलाल की मदद लेती थी, फिलहाल दलाल फरार है। पुलिस का आरोप है कि उद्योगपति एसके गोयनका अपने धंधे में फायदे के लिए इस तरह हाई प्रोफाइल एक्ट्रेस को अपने ग्राहकों के सामने परोसते थे। इसके लिए इन्होंने 1 लाख रुपए के किराए पर फ्लैट भी ले रखा था। बहरहाल पुलिस ने इन्हें मोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास से जिस फरोशी के एवज में वसूले गए 2 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं। KJ श्रीवस्तन, हैदराबाद, न्यूज 24।